और हमारा लगेज भी आ गया है। ये था धीरज। धीरज हेलो, हम आ गए हैं कायना के बर्थडे टूर पे। चेक इन डन। जल्दी आओ, कायनात को अपना प्ले जोन मिल गया है एंड शी इज एक्साइटेड। बसाने में तेरे पहले आ गए वाले। हाँ ना, हम दोनों ना धीरज और मैं चाय पी रहे हैं और ना जो कायनात है वो कुछ ऐसा आज मैं देख रही हूँ दोनों को चाय पीते हुए। ऐसा कायनात कह रही है। और कायनात, मैं बना रहा हूँ कायनात की वीडियो और उसकी माँ की वीडियो और ये एडिट कर देगी बाद में, मेरी आवाज हटा देगी। हमारे पास ये अफलातून बेबी है, गंदा सा। इस गंदे से बेबी की वजह से कहे ना, ये जो छोटा सा बेबी हमारे साथ चल रहा है ना उसकी वजह से और कायनात की वजह से हमें अलाउ कर दिया है, जल्दी एक्सेस दे दिया है कायनात की वजह से, क्योंकि कायनात का बर्थडे है। कायनात क्योंकि आपका बर्थडे है ना इसलिए अलाउ कर दिया हमें पहले जाने का, कायनात के बर्थडे की वजह से। कायना कह रही है उनको कैसे पता, क्योंकि कायना का बर्थडे उन्हें ऑटोमेटिकली पता चल गया है ना। कायनू और कायनात को एक और बर्थडे गिफ्ट मिल गया है। वाओ, करो ये पजल है, इट्स अ पजल। कोई नहीं, उठा लो। वन पीस ही गिरा था ना। वाओ, चलो वापस आ जाओ। नहीं मिली है विंडो सीट, तो ये कहना देखने की कोशिश कर रही है कि टेक ऑफ करके उड़ने में। सब पास पास ही तो है। टर्मिनल
और हम आ गए हैं और ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ सोनम अगर डाले भी तो समझ लेना मैंने ही बनाया है। और अगर आपको मेरे में देखना है तो धीरज अरोड़ा में जाके देखिए, नौकरी छोड़िए व्यापार करिए, ये हमारा स्लोगन है। ओके काय ना हो देखो वाओ मॉल है लेकिन एक्सेसिबल है, आपको एयरपोर्ट के थ्रू आपको बाहर आना पड़ता है और फिर आप जा सकते हो ज्वेल तक। तो इट्स ब्यूटीफुल और एक बार आना तो बनता है अगर आप सिंगापुर आते हैं तो, ये तो मस्ट विजिट है एयरपोर्ट के पास, तो ज़रूर आइए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यू है, कलर्स चेंज होते हैं, टाइमिंग है इसके, वो भी आपको मैंशन करते हैं अभी। जोर से बोल लिया कहता कायनात ना ये ज्वेल देख के कह रही है यकीन नहीं हो रहा। और हम कायनात के लिए ला रहे हैं आइसक्रीम, और कायनात पता है कहाँ पे आइसक्रीम बैठ के खाएगी पता है आपको? यहाँ पे ये ज्वेल्स का ये वाटरफॉल हो रहा है और कायनात को यकीन नहीं हो रहा। क्या यकीन नहीं हो रहा? मेरी बात तो सुनो, देखो मैं कहाँ से लगा वो लेकर ही रहूँगा आज। हाँ। कैसे लेके रहोगे? अभी तो हमें कोरिया जाना है। और हम लाए थे सुबह सुबह जो मैं बना के पूरी आलू वगैरह लाई थी तो हमने नहीं खाए क्योंकि हम लाउंज में चले गए थे। अब हमने निकाले हैं, देखते हैं कितने खाए जाएंगे। वो खाएंगे सामने मिनी से कायनात के लिए, मुझे कैसल लेना है, मैं तो ले के रहूँगी। हमने अभी आइसक्रीम ली है, आइसक्रीम खाएंगे कायनात और मैं, और धीरज खाएगा पूरी आलू। देखते हैं हम भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे। और ये आइसक्रीम आ गई है हम दोनों की, है ना, ऐसे ऐसे करता है। और ये आलू है, कोड़ी है और हम खाए रहे हैं दोनों कड़ी। बेसमेंट वन है, बेसमेंट झरना गिर रहा है ना, झरना गिर रहा है, नीचे 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 आते रहे।
गाड़ी वाले चाचू आ रहे हैं। ट्रैवल के लिए बनाया ना, सूखे सूखे तो बनाऊ। सही है ना, पूड़ियाँ सॉफ्ट है, पूड़ी सॉफ्ट है ना, खाए ना तेरे से खाई नहीं जाएगी पूरी। आइसक्रीम तो खाई जाएगी ना। कायना की ट्रिप की पहली आइसक्रीम है, नीचे गिर रही है कायना, जल्दी कर लो। और कायना नू उठा ना, हम यहाँ पे विंडो शॉपिंग करने आए हैं कायना के साथ। कायना उठाना नहीं है चीज़ों, चला इधर इधर इसके सामने इधर इधर, चल अंदर अंदर चले, चलो 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 लेट्स गो। तो हम मिनिस्टर में विंडो शॉपिंग करने आए हैं, चलो चलो। हेलो हेलो, 11 हाँ चलो भाई ना आओ। एज ऑलवेज हम पहुंच गए हैं चार्ल्स एंड कीथ पे, मुझे लेना नहीं है बट धीरे जबरदस्ती ले आया है, ये बोलते हुए चलना चलते हैं ना। फीमेल शॉपिंग में ये पूरी शॉपिंग कराता है। वो SYL का 2.5 लाख रुपए का। अच्छा हाँ, नहीं वो वाइट एंड ब्लैक अच्छा लग रहा है यार वहाँ पे, वो वाला ज़ारा में ना बच्चों के क्लोथ्स लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कायनात से बोलूँ कायनात शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग भी करें यार, ऐसे सूटकेस ना अच्छे लगते हैं। कायना कह रही है इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है, स्टार्स है। हाँ वो स्टार्स लुक वही दी हुई है कायना, इन्होंने स्टार्स वाली लुक ही दी हुई है। चलो कह रहे हो क्या कह रहे हो, और वो फाउंटेन कायनात को दिख रहा है, तो कायना क्या कह रही है, वॉटरफॉल। वही देख रहे यहाँ पे कैनोपी पार्क भी है ऊपर जाके कहीं, तो वो ना काइंड ऑफ प्ले एरिया, प्ले जैसे करते हैं ना बच्चे, वैसा है। बीच बीच में जगह मिलती है और कायना यहाँ बैठ जाती है। ज्यादा हो रहा है और ये रहे पापा अरोड़ा, मम्मी का बैग उठाए हुए और अपना भी, और ये रही बेबी अरोड़ा, और ये रही। तो मैं वीडियो बना रही थी, इतना ही था अंदर, और है लगी क्यों ऐसे टांग रही है बीच में, क्यों कर रहा, तो मैं वीडियो में बना रही थी तो वो कट गई, कैसे कटी पता नहीं। तो मैं बता रही थी कि T3 से ज्वेल और ज्वेल से T2 की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हाँ, और एयरपोर्ट पे ही बहुत सारी ना अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे अभी हमें देखते हुए पता चला है, देखिए तो मैं बता रही थी ये देखिए एयरपोर्ट के जेम्स, वाह
एक मिनट। तो हमारी बात अधूरी रह जाती है, कुछ भी इतना सुंदर सा आ जाता है सामने। हाँ जी, क्योंकि सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है ना बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती रहेंगी जो आपको लगेगा वाओ वाओ। तो कनेक्टिविटी है, वॉकेबल है सब कुछ। अगर आपके पास वीज़ा है, आप बाहर निकलो, मल्टी विजिट वाला अगर वीज़ा है आपके पास, मल्टी एंट्री, तो फिर आप जा सकते हो बाहर और आप ज्वेल वगैरह देख के आ सकते हो। और बहुत ही सही है, मतलब ये तो आई थिंक ये वीडियो सिंगापुर एयरपोर्ट का ही रहेगा क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है यार। स्काई ट्रेन है, सेंट लॉरेंस YSL, ओके। और क्या कह रहे हो, ये देखो ये दोनों के दोनों, इसके लिए ले लिए, कायनात के लिए। कायनात बैठ के जा रही है, अभी तक भाग भाग के जा रही थी कायनात। तो हमारी बात बीच बीच में अधूरी रह जाती है क्योंकि कोई ना कोई ब्रांड्स बीच में आ जाते हैं और हम देखने लग जाते हैं जस्ट विंडो शॉपिंग। गुच्ची का भी आ गया। तो खैर आपको यहाँ ब्रांड्स तो सारे आपको मिल ही जाएंगे। हाँ बहुत नॉर्मल है यहाँ पे तो खैर, बट मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ नहीं, तो मेरे साथ ऐसे वाला चीज़ है नहीं कि मुझे यहाँ ब्रांडेड ही चाहिए। हाँ जी, तो कनेक्टिविटी है, आपको वॉकेबल है, आप किसी से भी पूछिए, यहाँ पे बहुत ही हेल्पिंग है सारे। एक मतलब उसी से भी अगर आप पूछेंगे ना कि यहाँ पर कैसे जाना है, हाउ टू गो टू ज्वेल, तो वो आपको आराम से बता देंगे। और हर जगह पे होल्डिंग्स लगी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, तो बहुत ईजी है यहाँ पर। तो इसलिए पूरा एक्सप्लोर कीजिए, T1, T2, T3 जो भी है ज्वेल्स वगैरह पूरा एक्सप्लोर कीजिए। कैनोपी पार्क है, वो हम नहीं गए, वो जब हम अब सिंगापुर आएंगे तब हम वो ट्राई करेंगे। चलिए अब हम जाते हैं आगे, आराम से बैठते हैं। और यहाँ पे एक और ये बना हुआ है अंदर ही, और यहाँ फिशेज हैं। ये देखिए ऊपर स्काई, बहुत ब्यूटीफुल है यार। लैम्प्स है, दिखा रहे हैं क्रिएटिव है ना। चले नहीं नहीं तो यहाँ नहीं है। हाँ यहाँ है, ये सीलिंग सो ब्यूटीफुल। बियर नहीं का है ना, ये वो है, इट्स क्रोकोडाइल। गाना अच्छा नहीं, सॉफ्ट म्यूजिक है ना, है ना। जाओ जल्दी से होके आ जाओ। अब थोड़ी देर में ये स्टार्स आ गए, नाइट स्काई हो गया। अब बोर्डिंग स्टार्ट होने लगी है, बस अब जा रहे हैं, सिंगापुर से निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं साउथ कोरिया की तरफ। सो लेट्स गो। धीरे धीरे आप क्या कह रहे हो, वैसे किसी काम की नहीं है, बहुत इज्जत है, बिजनेस करने के साथ एंट्री होती है हमारी। क्योंकि कायना के चक्कर में ना हमें जल्दी एंट्री मिल जाती है। तो हमें जल्दी एंट्री मिल जाती है, हम आराम से जाके बैठ जाते हैं। चलो चले फ्लाइट, और हमारी अब फ्लाइट है कहाँ की, हाँ कोरिया की। और अब हम सुबह पहुँचेंगे कोरिया, होप नींद आ जाए क्योंकि रात को 1 बजे की उठ रही हूँ।
तो चलते हैं अब फ्लाइट में। और कायनात को मिल गई है विंडो सीट जो कि दिन में नहीं मिली थी, तो कायनात खुश हो गई है। अम्मा कितनी देर रुके थे जेल में? कायना, कोरिया की धरती में आपका स्वागत है। तेरे कलर इतने ब्राइट कैसे आते हैं? क्या रीजन है? देखियो इतना फर्क क्यों है? रिविजिटिंग के लिए है। थाईलैंड भी दोबारा गई, दोबारा एक्साइटेड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डे और आगे चलते हैं। अभी हमें अराइवल फॉर्म भी फिल करना है, करके आपको बताते हैं। आप जिस भी न्यू कंट्री जाते हैं ना, आपको अराइवल फॉर्म भरना होता है। हमें फ्लाइट से मिला नहीं, लेकिन नॉर्मली फ्लाइट से मिल जाता है। तो धीरे धीरे अभी अराइवल फॉर्म फिल कर रहा है।
दिख रहा है, ये हमारा ही लगेज है ना, क्योंकि हमें रेड वाला किसी और का अपना लगा था, तो इसलिए हमारी आगे हमें जाना है। कहाँ जाना है हमें? होटल। होटल कहाँ पे है? डोंट लाई डाउन। और हमारा होटल है, हम जा रहे हैं बुसान। तो बुसान के लिए हम यहाँ से कैसे जाएंगे, उसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए, हम पूरा आपको एक्सप्लेन। हाँ पूछ लूँ तो कैसे जाते हैं यहाँ से, बुकिंग पहले कराने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो हम सब आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। और अभी हम फ़िलहाल के लिए पहुँच गए हैं कोरिया और वेरी एक्साइटेड टू गो आउट ऑफ दिस एयरपोर्ट। 7 ईयर्स के बाद आई हूँ मैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट 7 ईयर्स पहले जब आई थी तो इतनी एक्साइटेड शायद नहीं थी, बट अब ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो कायनात है मेरे साथ और ऊपर से कोरिया की अलग फील है, सीरीज़ देखी है, यू नो सीरीज़ देखने के बाद ज़्यादा मन करता है आपका कोरिया आने का। तो होपफुली आई विल एक्सप्लोर मोर दिस टाइम और 7 ईयर्स के बाद आ रही हूँ, तो फिंगर्स क्रॉस्ड इस बार कुछ और नया नया ट्राई करेंगे, नई नई जगहें जाएंगे और देखते हैं कैसा लगता है। बाकी चलिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। होपफुली ये सिंगापुर के लिए आपकी थोड़ी सी नॉलेजेबल रही होगी कि सिंगापुर एयरपोर्ट पे अगर आए तो कैसे, अगर आपके पास वीज़ा है तो आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, हमने सिर्फ ज्वेल एक्सप्लोर किया, वही नॉर्मली लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो बस वही किया है हमने। और ये मैडम जी हमारी यहाँ पे लेट गई है, इसको नींद आ रही है और अब हम बाहर जाते हैं। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय शबा खैर, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय फ्रॉम कोरिया दिस टाइम। बाय। व्हाई स्माइलिंग? जब चाची एक दिन ऑफिस से आए थे तब हमने उनको लड्डू समझ के कुछ दिया था और और कायनात इस समय खा रही है से प्रॉपर्ली, कायनात खा रही है गुड़ पारे। मैं थोड़े से छोटे छोटे से पैकेट्स बना के ले आई थी इसके ना, गुड़ पारों के, और सो दैट वी हैव अ लॉन्ग जर्नी, तो किसी को भी अगर खाना हो तो एटलीस्ट खा सके। और ऑब्वियसली वी आर इंडियंस तो वी पैक सो मेनी थिंग्स राइट। दिस टाइम आई हैव ऑल्सो पैक सो मेनी थिंग्स बिकॉज आई हैव अ स्मॉल किड विद मी। ऐसे वो खा लेता है नॉन वेज, आई थिंक कायनात को इतनी दिक्कत होगी नहीं, मेरे साथ ज़्यादा इशू होने वाला है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट आई विल मैनेज। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी खा के बंदा मैनेज कर सकता है, अगर नॉनवेज नहीं खाता तो। बाकी देखते हैं क्या कुछ भी खा के मैनेज कर सकते हैं।